नमस्कार मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग बेहतर सुविधा देने का वादा करता है, लेकिन तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें लापरवाहियां बरती जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला थाना राया क्षेत्र में, जहाँ एम्बुलेंस के अभाव में एक प्रसूता को घोड़ा गाड़ी में अस्पताल के सामने ही बालक को जन्म देने पर मजबूर होना पड़ा। जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रही है, सरकारी मदद लोगों को नहीं मिल पा रही है और हमेशा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का दावा करने वाला स्वास्थ्य विभाग मानो सोया हुआ है, लिहाजा बढ़ती जा रही हैं जमकर लापरवाहियां। ये मामला है थाना राया के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां एक प्रसूता ने घोड़ा गाड़ी यानी तांगे में अस्पताल के सामने बच्चे को जन्म दिया, जबकि परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस को फोन किया गया था लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं नहीं उपलब्ध हो पाई। दरअसल मामला बाड़ों गांव का है, जहां प्रसूता रामवती पत्नी देवेंद्र को सुबह प्रसव पीड़ा हुई तो घर वालों ने 108 और 102 एम्बुलेंस को फोन किया। घंटों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो परिजन महिला के दर्द को देखकर घबरा गए और उसे तांगे में लेकर अस्पताल के लिए चल दिए। प्रसव पीड़ा से कराहती महिला का प्रसव अस्पताल के गेट पर ही हो गया, जिसने एक लड़के को जन्म दिया। हालांकि फिलहाल जच्चा बच्चा स्वस्थ है, लेकिन सवाल यही है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कर रही है, लेकिन ऐसे दृश्यों को देखकर नहीं लगता कि सरकार स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता तक पहुंचा पा रही हैं। इस संदर्भ में परिवार की महिला ओमवती ने जानकारी दी। ओमवती, कौन सा गांव है आपका? बाड़ोन। यहाँ हॉस्पिटल आने के लिए आपने एम्बुलेंस को फोन किया था? हाँ। तो आप एम्बुलेंस पहुँची थी? क्या कहा एम्बुलेंस फोन पे? वहाँ पे है नहीं। सरकारी हॉस्पिटल आने के बाद आप कितनी देर वहाँ गेट पर खड़ी रही? आसान। अच्छा, हाँ। वहाँ खाली नहीं है एम्बुलेंस? हाँ, अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल आने में आप किस चीज से आई फिर हॉस्पिटल? तांगे थे। तांगे थे। हाँ। तांगे पे आने कितनी देर खड़ी रही गेट पे? एक घंटा तक। से कोई कर्मचारी नहीं आया आपके पास? कोई नहीं आया, कोई दाई भाई कोई नहीं आया? सुन लो ना कछु।